इक्वल पाएंगे, लेकिन फिर भी परीक्षा जो टाइम पर लेना, रिजल्ट टाइम पर देना ही प्राथमिकता है। जैक का तो एक काम वही है, अब तो कोई काम हमको दिखता नहीं यहाँ पर, अभी तो पूरा जान नहीं पाए जैक क्या है। अभी लगातार मीटिंग चल रही है, अभी आप थोड़ा देर पहले जब आए थे तो मीटिंग चल रही थी, तो डिफरेंट सेक्शन का मीटिंग हम कर रहे हैं, सब समस्या को जान रहे हैं, उसके बाद हम तय करेंगे कैसे हमको चलना है। सर बैठक को लेकर सर क्या बातें आ रही है? वहाँ का तैयारी क्या हुई जानना चाह रहे हैं, जैसे सेकेंडरी का क्या तैयारी है, इंटर का क्या तैयारी, उसको जान रहे हैं हम लोग। सर कोरोना को लेकर सर पिछले बार एग्जाम लेट से हुआ था, इस बार सर कैसे एग्जाम लिया जाएगा? आपको आज का दिन में भले जैक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, लेकिन आज का दिन में वो नहीं है कहिएगा तो, कारण आपदा नियंत्रण विभाग अगर हमको परमिशन नहीं देगी तो हम परीक्षा नहीं ले सकते हैं। इसलिए दोनों मिल के हम लोग एक साथ लेते हैं ना, हम परीक्षा लेंगे, वो हमको परमिशन देंगे, वो हमको प्रोसेस बताएंगे, हम परीक्षा लेंगे, वो हमको अरेंजमेंट करेंगे, हम परीक्षा लेंगे, यही तो है। सर पिछले बार काफी जो छात्र छात्राएं थे सड़क पर उतर कर विरोध कर रहे थे कि जैक में गड़बड़ी हुई है रिजल्ट को लेकर या फिर रोल नंबर को लेकर, तो कैसे तरफ से कोई गड़बड़ी होने का कोई चांस नहीं है। उस बार भी क्या गड़बड़ी हुई मैं नहीं जानता, ऑनलाइन जब फॉर्म भरता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, तो कोई किसी भी हालत पर कहीं भी जैक की तरफ से गड़बड़ी होने का चांस नहीं रहती है। लेकिन गड़बड़ी जो होती है स्टूडेंट की तरफ से होता है, प्रिंसिपल या हेडमास्टर की तरफ से होती है, उन लोग ठीक से चेक नहीं करते हैं, जिसके चलते प्रॉब्लम में फंसता है स्टूडेंट। स्टूडेंट का प्रॉब्लम होती है, मानते हैं बात को, लेकिन उसका जवाबदेही जैक नहीं है, उसका जवाबदेही वहां का प्रिंसिपल है, वहां का हेडमास्टर है, और स्टूडेंट खुद विद्यार्थी खुद है, कारण उन लोग गलत भर देते हैं। सर एक सवाल है कि 11th और 12th के बच्चों को सरकार की ओर से बुक दिया जा रहा है, तो मेरा काम नहीं ना है जैक का काम, आप समझ समय जैक का देखिए, आप आए हैं बहुत अच्छी बात है, न्यूज बायोस्कोप से आए हैं, लेकिन जैक का ही काम किताब देना ही सब नहीं है, कहीं नहीं है, वो सरकार है, सरकार अपना देंगे देखेंगे, सरकार का हम बोल चाहेंगे तो साथ देंगे सरकार को, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग का काम वो नहीं ना है। तो सर क्या उम्मीद इस बार लगाई जा सकती है कि जैक बोर्ड जल्दी कंडक्ट कराएगा एग्जाम? फिर वही सवाल आपका, अब बोले जब जैक इंडिपेंडेंटली अभी नहीं कर सकता कोरोना काल के चलते, तो कैसे हम बोल पाएंगे अभी बताइए, जब तक आपदा प्रबंधन हमको नहीं देता है तो कैसे कराएंगे, इसलिए कि हम अकेले कर नहीं सकते हैं अभी, है ना, सरकार का परमिशन हम चाहेंगे वो देंगे तो हम लेंगे, कब देंगे। गुड इवनिंग, आप सभी के फिर समाज चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जैक बोर्ड का एग्जाम के बारे में, ठीक है, यानी 10th और 12th का जो एग्जाम होने वाला, 10th 12th नहीं, 9 10 11 12 सारे एग्जाम के बारे में बात करेंगे, 8 भी आ जाएगा इसमें। तो जो कंफर्म न्यूज है, जो जैक के प्रेसिडेंट यानी डॉक्टर अनिल कुमार महतो द्वारा जो बात बोला गया है ना, हाल फिलहाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आया हुआ था, आप लोग शायद देखे होंगे, नहीं भी देखेंगे क्या क्या बात हुआ, किस टाइप से सारा चीज डिस्कस करेंगे। देखिए जैक का अध्यक्ष, और जैक का अध्यक्ष जो अभी हाल फिलहाल में बने हैं डॉक्टर अनिल कुमार महतो, इनको 3-4 दिन हुआ अभी, तो 3-4 दिन होने के बाद, मतलब शायद फ्राइडे या सैटरडे को ज्वाइनिंग किए थे, इसी फ्राइडे सैटरडे को, तो 1-2 दिन पहले आप लोग उसको देखे थे, एक इंटरव्यू आया था जिसमें उनको पूछा गया था साफ साफ कि आपका क्या मन है कि जैक का एग्जाम इस बार टाइमली होगा, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत लेट में हुआ था, साथ ही बहुत सारा उसमें बच्चे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि जबरदस्ती फेल कराया गया है, तो बहुत सारी गड़बड़ी हुई थी, क्या इस बार भी उसी टाइप से गड़बड़ी होगा? तो साफ साफ उनका कहना है कि जैक की ओर से कोई गड़बड़ी इस बार नहीं होगा, जब तक हम रहेंगे गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही उनका यह भी बयान आया कि उनको जब पूछा गया कि एग्जाम कब होगा, आखिरकार ये जैक का जो एग्जाम है सब बोर्ड का हो चुका है, आप लोग जानते होंगे, तो बिहार बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम है ना, फाइनल एग्जाम का डेट आ चुका है, तो जैक का एग्जाम कब होगा, जैक बोर्ड का एग्जाम कब होगा, तो उनका साफ साफ कहना था कि जैक बोर्ड का जो एग्जाम होगा 9, 8, 9, 10 और 11, 12 सभी का एग्जाम जो होगा, बोला अभी तो कोरोना के चलते सब कुछ बंद है, मतलब ये झारखंड सरकार के ऊपर डिपेंड है, सरकार सब कुछ अब स्कूल कॉलेज बंद करके रखे, वो खोलेंगे इसके लिए विचार करेंगे, जिस दिन विचार करेंगे कि इस दिन से स्कूल कॉलेज खुल जाएगा, आपदा प्रबंधन टीम इसका मतलब परमिशन दे देगा कि स्कूल कॉलेज खोलने का, उसके बाद जैसे जिस टाइम दे देगा ना, उसी टाइम हम लोग इस डेट्स का अनाउंस कर देंगे कि 10th और 12th के एग्जाम कब होगा, 9, 8, 9 और 11th के एग्जाम कब होगा, ये सब कुछ हम लोग क्लियर कर देंगे, ये बात उनका बोलना था। देखिए उनका बात सुन के ये तो कंफर्म हो चुका ना, पहले 10th और 12th के एग्जाम होगा, उसके बाद 8, 9 और 11th का एग्जाम होगा, ठीक, तो 8, 9, 11th का एग्जाम हो सकता है एक ही सेमेस्टर में हो,
और सबका मन में ये डाउट है, पहले तो 2 सेमेस्टर बोला गया था टर्म वन और टर्म टू, इस बार कैसे होगा टर्म वन टर्म टू, किस टाइप से होगा। तो जिस टाइप से उनका बात सुन के लगा ना, वो इस चीज को पूरा क्लियरिफाई नहीं किया कि एक ही टर्म में होगा कि 2 टर्म में होगा। वो बोले कि हम लोग समीक्षा करेंगे, समीक्षा करेंगे मतलब क्या, सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। मतलब अभी उनका बोलना यही था, उनका बात सही सुनने को मतलब समझ में आ रहा, अगर अभी खुल जाएगा 31 को सब कुछ खुल जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा क्या, ये भी न्यूज आप लोग देखे होंगे कि लगभग कन्फर्म है आपदा प्रबंधन टीम के द्वारा या मंत्री जी द्वारा लगभग एक संकेत मिल चुका है कि 31 से सब कुछ खुलने जा रहा है, ठीक है। उनका साफ साफ बन्ना गुप्ता जी का भी बोलना है कि 31 के बाद सब स्कूल कॉलेज सब खुल जाएगा। तो 31 पे खुल रहा ना, तो जो जेक अध्यक्ष था उसका जैसे जिस टाइप से बात आया सामने, उसके हिसाब से यही समझ में आ रहा कि उनका मतलब उनका मूड है कि दोनों एग्जाम लिया जाएगा, टर्म वन और टर्म टू। भाई टर्म टू और टर्म वन दोनों लिया जाएगा तो फिर ऐसे लेट हो चुका, बहुत लेट हो चुका, पता नहीं किस टाइप से लेंगे, देखते, कोई डिसीजन आया नहीं, लेकिन उनका मूड के हिसाब से ये लगा, मुझे पर्सनली लगा। लेकिन अभी तक इनका डिसाइड नहीं हुआ कि एक ही एग्जाम होगा कि 2 एग्जाम होगा। जो भी होगा आप लोग पढ़ाई करते रहिए, कुछ भी और दूसरा हम कोई भी अगर इस टाइप से अगर आता है ना एग्जाम के रिलेटेड, एग्जाम के रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा आप लोग क्लियर हो जाएगा 2 तारीख तक, 2 फरवरी तक क्लियर हो जाएगा, चाहे एक एग्जाम हो 2 एग्जाम हो, ठीक है, 2 फरवरी, क्योंकि 31 के बाद सब कुछ खुल जा रहा है, ये कन्फर्म हो चुका है, सब कुछ स्कूल कॉलेज सब कुछ खुल जाएगा, ये कोरोना ज्यादा कोई है नहीं दिक्कत, ओमिक्रॉन के इफेक्ट है नहीं। कल अगर न्यूज देखेंगे तो परसों इंग्लैंड में परसों से ही डिसीजन ले लिया कि ना कोई मास्क लगाने की जरूरत है, ना कोई कोरोना का सोशल डिस्टेंस पालने की जरूरत नहीं है, ये कोई दिक्कत है नहीं, इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा। तो क्या नाम है, इंग्लैंड में सब कुछ ये सब का प्रतिबंध सब कुछ हटा दिया, तो देखते हैं झारखंड सरकार और इंडिया सरकार क्या डिसीजन लेते हैं। जो भी हो उम्मीद और इतना तो रख ही सकते हैं कि हम लोग भाई एक एग्जाम ना हो, मतलब 2 एग्जाम ना हो, क्योंकि 2 एग्जाम हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचेगा सेकंड के लिए। फर्स्ट टर्म तो अच्छा से चल जाएगा लेकिन सेकंड टर्म के लिए दिक्कत होगा, देखा जाए आगे क्या होता है। जिस टाइप से कोई भी डिसीजन आता है जरूर आपको बता देंगे। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए।